हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा बजट सत्र में दिए बड़े सवालों के जवाब। कहा कि HRKN के तहत कोई भी भर्ती नहीं होगी स्थायी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाले मैन पावर में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में BCA की 16% आरक्षण के विरुद्ध 15.64% और BCB की 11% आरक्षण के विरुद्ध 11.4% मैन पावर है। इसके अलावा 20.63% कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित है। वे यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वास्तव में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत कोई भी पक्की भर्ती नहीं है, ये केवल अस्थायी तौर पर कार्य के लिए रखे जाते हैं। इसके तहत रखे जाने वाले लोगों को कोई भी निश्चित संख्या नहीं होती जिसमें आरक्षण की गणना की जा सके, ये तो विभाग अनुसार आवश्यकता के अनुरूप रखे जाते हैं। फिर भी सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 20 से 27% का रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है तो अगली भर्ती में उसे पूरा कर लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा कौशल के तहत युवाओं द्वारा बड़े स्तर पर फार्म भरे जा रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार पाया जा रहा है। वहीं इसी बीच CM खट्टर का ये बयान उन सभी युवाओं को थोड़ा हताश भी कर देगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये भर्ती स्थायी नहीं है। देखना ये होगा कि क्या अब HKRN के तहत कौशल द्वारा जो युवा है वो फार्म भरते हैं या नहीं, क्या युवा इनका विरोध करते हैं या नहीं। धन्यवाद।